Hello friends, this is Umesh Arora and welcome to our channel CADCAM Social Merit. आज हम लोग बनाने वाले हैं एक शोकेस और उसको बाद में फिर हम मोल्ड रिजॉर्ट में ले जाएंगे और उसका कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन पूरा करके हम देखने वाले हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हम लोग इस टाइप की और वीडियो बना सकें। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक रेक्टेंगल लिया और इसकी कुछ डायमेंशन है 180 और इधर जो विड्थ है इसकी विड्थ ले लेते हैं 130 और क्लोज। और इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ से फिलेट और फिलेट लेते हैं कुछ 25। तो इस टाइप से मैंने ये बना लिया है और इसके अंदर भी मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल और लिया और इसकी जो डायमेंशन है वो हमें लेनी है, ये तो है कुछ 70 और लेंथ हम ले लेते हैं 100। अभी अगर लगेगा तो मैं चेंज भी कर लूँगा इसको। तो इस पॉइंट को लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कॉन्सिडेंस और फिर यहाँ से फिलेट लेता हूँ और फिलेट 25 था वो, तो सेम 25 ही रखते हैं। ये हमने कुछ कर दिया और साइज़ मुझे थोड़ा सा इसका कम लग रहा है तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और 120 कर देते हैं। और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कॉन्सिक्वेंस, ये इसके साथ भी कॉन्सिक्वेंस। अब इन दोनों के बीच का गैप, ये और ये वाला गैप क्लिक, ये आ रहा है कुछ 16, तो मैं लेता हूँ यहाँ से 6 ले लिया, लेकिन ये आगे शिफ्ट हो चुका है तो मैं कैंसिल करता हूँ और ये वर्टिकल वाले के साथ अलाइन ताकि सिमेट्री मेंटेन होती रहे, सिमेट्री मेंटेन होती रहे। तो मैंने इसे भी ले लिया और सेम इसको मैं उधर मिरर करना चाहता हूँ, तो आ गया और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये सेलेक्ट करना है, ये भी थोड़ा छोटा करते हैं, ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया और इसे लेते हैं मिरर अबाउट और ओके। तो ये मेरा बन गया है, मैं इसे फिनिश करता हूँ। अब इसमें मेरा सबसे पहला काम है एक्सट्रूड और मैं इंफ्रारेड नहीं लेके कनेक्टेड कर लेता हूँ और ये वाला मैंने पूरा सेलेक्ट किया और रिवर्स डायरेक्शन डाउनवर्ड और इसको मैं हाइट देता हूँ कुछ 25, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ 30, ओके ये हो गया। फिर एक्सट्रूड लेता हूँ मैं और इस वाले कर्व को रिवर्स डायरेक्शन में 25 और ये होना है सब्सट्रैक्ट और ओके। ये कुछ ज़्यादा हो गया है तो इसे मैं एडिट करता हूँ
और सिर्फ 20 ही रखता हूँ। ओके ऐसा आगे। और इस वाले के लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्राफ्ट लेता हूँ और ड्राफ्ट में स्टेशनरी फेस मैंने ये लिया ड्राफ्ट, इसको करना चाहते हैं। और वेक्टर वेक्टर लेते हैं ये, और ड्राफ्ट होना चाहिए 5 डिग्री, और ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। कुछ शो करा तो ये कुछ ऐसा है, तो 5 की जगह भी और कम कर दो, वो कर देता हूँ और इसे करते हैं ओके। ये हो गया। और फिर इधर वाले के लिए आता हूँ और यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड इस वाले कर को रिवर्स में सब्सट्रैक्ट और ओके। पर 25 नहीं चाहिए था, सिर्फ 20 चाहिए और ओके। ये हमारा आ गया, इस स्केच को मैंने हाइड कर दिया। अब बात आती है कुछ फिलेट की और हल्का स्टेपर। तो सबसे पहले जो एक्सट्रूड किया था इसे क्लिक करता हूँ और इसमें जाके मैं लेता हूँ ड्राफ्ट, क्योंकि मेरे को ड्राफ्ट तो चाहिए ही। ड्राफ्ट आ रहा है 2 डिग्री का और ओके, पर ये -2 कर देते हैं, बाहर की तरफ आना चाहिए ओके। फिर सेकंड एक्सट्रूड जो किया था मैंने, ये तो सॉरी फर्स्ट वाला ही है, ये वाला सेकंड है। इसमें जाते हैं, इसको भी मैं लेता हूँ ड्राफ्ट और 2 डिग्री का ओके। फिर थर्ड वाला ये था, इसे लिया, इसे भी मैं ड्राफ्ट करूँगा 2 डिग्री का, 3 डिग्री का आप ले सकते हैं। तो ड्राफ्ट मैंने असाइन कर दिया है और अब यहाँ से फिलेट लेता हूँ और फिलेट लिया मैंने 3 थोड़ा सा ज़्यादा है 2, और ये भी और ये भी और ओके। तो ये फिलेट भी आ गया है। और अगर चाहें तो साइज़ थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ मैं डबल क्लिक, और ये जो लेंथ थी 120 इसे मैं 110 कर लेता हूँ और क्लोज और फिनिश। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, इस टाइप से हमारा आ गया। वन वन फाइव लेते हैं, परफेक्ट आ जाएगा। स्केच को हाइड करते हैं, एक बार सेव भी कर दीजिए। ये इतना मैंने बना लिया है। अब हम स्केच लेते हैं और इसी प्लेन को सिलेक्ट करूँगा मैं ऊपर टॉप पे, हाँ टॉप पे ही है, रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से कुछ सीधा जाएंगे और क्लिक। इसकी लेंथ 110 और विड्थ डबल सिक्स ये है 20 बिल्कुल उसके पास पहुँच रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम करके 18 ले लेता हूँ और क्लोज। अब फिर से करते हैं हम एक्सट्रूड और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट ठीक है 20 के आसपास ही होनी चाहिए। और फिर मैं लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं ड्राफ्ट लूँगा तो ड्राफ्ट ये चारों तरफ होगा, पर मैं अलग अलग लेना चाहता हूँ इसलिए ड्राफ्ट अभी नहीं ले रहे, और यूनाइट लेते हैं और ओके। स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ और फिर लेते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में गए स्टेशनरी फेस, ये मेरा स्टेशनरी फेस है ड्राफ्ट, इसको करना चाहते हैं। ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसे मैं -5 करता हूँ तो अंदर की तरफ 5 ही रखते हैं, लेकिन स्टेशनरी फेस मैं नीचे वाला लेता हूँ, नहीं बात बनती। तो इस दोबारा से लेता हूँ ड्राफ्ट और
ये मेरा वेक्टर स्टेशनरी फेस और ड्राफ्ट करना है इस फेस को, ठीक है। अब ये थोड़ा अंदर की तरफ जा सकता है। ये मैंने लिया कुछ 14 आ रहा है 12, ठीक है, और ये भी, और अप्लाई भी आ गया है। और फेस सेम स्टेशनरी फेस, फेस टू ड्राफ्ट और फेस टू ड्राफ्ट। और अब की बार एंगल होना चाहिए कुछ 3 का, 5 का, और ओके। अब एज प्लेट ले लेता हूँ मैं और क्लिक, इसे मैंने राउंड कर दिया 3, अप्लाई, और नीचे वाली ये चीज़ें इसके लिए 2 या मैं अभी इसे नहीं देता हूँ, अभी सिंपल ऐसे ही रख लेते हैं। और एक बार सेव कर दें, अब इसको हम कर लेते हैं शेल। शेल में रिमूव फेस मेरा ये रहेगा कुछ ऐसा आ गया है, और ये गोल करना रहता है तो पहले कैंसिल करते हैं। और यहाँ से एज फिलेट लेके यहाँ पे मैंने फिलेट लगाया 5 का, अप्लाई, और यहाँ पे कुछ 4 का, और ओके। अब इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ से शेल, रिमूव फेस मेरा ये है, और थिकनेस 2 आ रही है, मैं 1 ले लेता हूँ, 1 से बात नहीं बनती, 1.5, और ओके। ये देखिए इस टाइप से मेरा बना हुआ आ जाएगा। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे और यहाँ पे वर्क करना है तो, और इधर से भी कट करने हैं तो स्टार्ट करते हैं इधर के कट से। इस फेस को सिलेक्ट किया, लाइन, ओके, और यहाँ से मैं लेता हूँ लाइन, क्लिक 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 और क्लोज, ये मैंने ले लिया। अब इसको वर्टिकल के साथ मैच कर देते हैं, और अब डायमेंशन लेते हैं इसकी, क्लिक, इसे मैं कर देता हूँ कुछ 100, और नीचे वाला जो है इसको लेते हैं ये 110, ये हो गया। और इसके बीच का जो गैप है ये कुछ 11 आ रहा है, मैं इसको लेता हूँ 14, और यहाँ से जाके मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कर देता हूँ इक्वल, तो ये अब ठीक आ गया होगा, मिडिल पे भी है। और नीचे की लाइन जो है इसे भी क्लिक करके इसके साथ कॉन्सिडेंस कर लेते हैं, और लेता हूँ यहाँ से फिनिश। और यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे, क्लिक करते हैं रिवर्स साइड, और डेप्थ को कम रखेंगे, और सब यूनाइट नहीं है, ये है सब्सट्रैक्ट, और अप्लाई, और कैंसल। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और सेम यही वाली चीज हम लेते हैं यहाँ से मिरर, यहाँ से मोर में जाएंगे और मिरर फीचर और बीच का प्लेन, और ओके, ठीक है। फिर इधर वाले फेस के लिए स्केच सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ से जाके स्टार्ट करते हैं ऐसे
ओपन जाएंगे इधर क्लिक और क्लोज। ये जो मिडिल का पॉइंट है ये इस वर्टिकल एक्सिस के साथ अलाइन कर दीजिए, और नीचे वाला पॉइंट है इसे भी वर्टिकल एक्सिस के साथ अलाइन, और रिज्यूम ये जो लाइन है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में ये और ये इक्वल। और अब लेते हैं डायमेंशन, ये जो लाइन है इसकी डायमेंशन इसको मैं लेता हूँ कुछ 40 कम लग रहा है, इसे रखते हैं 50। और नीचे वाली जो लाइन है ये इसे हम लेते हैं 60। और इन दोनों के बीच का गैप 13 मान लेता था 14 और क्लोज फिनिश करेंगे। और इधर से मैं इसे एक्सक्लूड करता हूँ, सेलेक्ट सॉरी गलत क्लिक हुआ, स्केच को क्लिक करना है, रिवर्स साइड और सब्सट्रैक्ट अप्लाई कैंसिल, स्केच को हाइड करेंगे और जो एक्सट्रूड किया है इस एक्सट्रूड को कर दीजिए मिरर फीचर, मिरर फीचर प्लेन ये और ओके, इस टाइप से आ गया ये। और यहाँ से लेते हैं फ्लिट जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, जूम करिए, जूम करेंगे, जूम करेंगे और एक ये। और अब करके देखिए सामने से तो 4 है, मैं इसे कर देता हूँ 10 और अप्लाई क्लोज। ये पोर्शन मेरा पूरा आ गया है, एक यहाँ पे मुझे कट करना है तो उसके लिए प्लेन को क्लिक करते हैं और सीधा ओके। यहाँ से मुझे कुछ शेप चाहिए, यहाँ से क्लिक किया कुछ ये, फिर ऊपर क्लिक करेंगे और मैच कर दीजिए। यहाँ से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में जाऊँगा और लूँगा मैं पैरेलल, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल चाहिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल चाहिए, और साथ में मुझे चाहिए वर्टिकली लाइन ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकली लाइन, और इस पॉइंट को वर्टिकल एक्सिस के साथ कॉन्सिलेंस। और अब यहाँ पे कुछ शेप चाहिए हमें, तो शेप के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ एक और इसको सेलेक्ट करके आगे करते हैं पैटर्न, लीनियर डायरेक्शन होनी चाहिए ये, और मुझे चाहिए 3 ही चाहिए, और बीच का गैप है 30 का, 30 तो ज़्यादा है, कुछ 25 देखते हैं, तो 25 ठीक लग रहा है ओके। ये पॉइंट इस वर्टिकल के साथ करें, और इसके बाद मेरे को चाहिए यहाँ से फ्लिट इसको और इसको नहीं ले रहा, क्लिक किया और फिर देखते हैं ये जो आर्क है और ये लाइन है दोनों को टेंजेंट कर देते हैं, तो फिर से लेते हैं इसके सॉरी
इसमें देखिए एंटी क्लॉक से पहले आपको ये लेना है, फिर आपको ये लेना है और फिर क्लिक, और फिर ये जो आर्क है वो इस लाइन के साथ कर दीजिए टेंजेंट। ये यहाँ पे मैंने टेंजेंट मैच कर लिया है और अब लेता हूँ यहाँ से ये जो लाइन है इस लाइन को क्लिक करके कन्वर्ट टू रेफरेंस कर दीजिए और इसे डबल क्लिक करते हैं हम और इसे 93 कर देता हूँ मैं और यहाँ से जाके लेते हैं हम इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस ये और ये दोनों इक्वल रेडियस हो जाएंगे और इक्वल रेडियस नहीं, इसको इक्वल नहीं करता, बैक करता हूँ, ये दो इक्वल इंची, बाकी ये दोनों इक्वल इंची हैं। और यहाँ से लेते हैं ट्रिम, ये मुझे नहीं चाहिए, और जूम कर लीजिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये बेसिकली पकड़ने के लिए है, जो सोप केस है उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है ये वो हमने बनाया है। और फिनिश, यहाँ से फिनिश करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड, सबसे लास्ट वन वाला स्केच है हमारा। और सिमेट्रिकल ले लेते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे और ओके, ये कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मुझे चाहिए था। और ये जो हैंडल है ऊपर का, इसका रेडियस ये मुझे कम लग रहा है, तो ये वाला है, इसमें इसको मैं स्किप कर देता हूँ शिफ्ट के साथ और ओके। और शेयर से पहले एक एज ब्लेंड और चाहिए, तो यहाँ से फिलेट लेते हैं, इस एज पे क्लिक किया और इस एज पे भी क्लिक किया, ओके, और इसको मैं पिक करता हूँ और इसके ऊपर शेल से ऊपर रखना है ताकि जो शेल है वो अपडेट हो सके। तो ये इस टाइप से आ गया है, एक फ्लेट और ले लेते हैं, ये फ्लेट मुझे बाद में ही चाहिए। और टूल का नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे मैं छोड़ देता हूँ अभी। और अब बीच के जो स्लॉट हैं वो चाहिए, अब यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है वो ड्रॉ करेंगे स्केच। तो इसके लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, सेंटर रेक्टेंगल, और यहाँ से लेता हूँ एक रेक्टेंगल और इधर से, सॉरी इसकी तो मेरे को भी ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसे बाद में लेता हूँ, पहले इधर वाला ले लेते हैं और ये क्लिक किया और ये क्लिक, इसकी डायमेंशन कर देते हैं 4 और ये होना चाहिए कुछ 16 और क्लोज, और ये पॉइंट इसके साथ और जेंटली अलाइन, और गैप इन दोनों के बीच का गैप क्लिक, गैप मैं रख लेता हूँ कुछ 3 और क्लोज। अब इसको मैं पर मुझे इसे फिलेट टू का ये जो लाइन है इस लाइन को या तो हाइड कर दीजिए या फिर कन्वर्ट टू रेफरेंस ये हो गया। अब हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं हम पैटर्न लीनियर डायरेक्शन थ्री की जगह मैंने लिया 6
इसको कर देते हैं 8, 10, हाँ 10 में नहीं 9 पे शायद काम कर जाए, 9.5, ये 9.5 लेता हूँ मैं। और सेकंड डायरेक्शन, यू सेकंड डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन मुझे चाहिए, और सेकंड डायरेक्शन ये लेते हैं जिसको करना है फ्लिप रिवर्स, और जो पिच का गैप है ठीक है, और यहाँ से हम लेते हैं 5, फाइव में तो कुछ ज़्यादा जा रहे हैं, ये 4 ले लेते हैं, और 4 में जो गैप है वो मैं लेता हूँ 22, और करते हैं इसे ओके। और उसके बाद करेंगे फिनिश, यह मैंने उसे कैंसिल किया, और सिंपल एक को बना के मैं यहाँ से एक्सट्रूड रिवर्स में, और कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कर लेता हूँ, ये कट होना चाहिए, कट हो गया, और ओके इसको कर देते हैं हाइड, और ये जो हमारा एक्सट्रूड था इसको सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पे 3D में पैटर्न करता हूँ, और स्पेसिफाई वेक्टर, पहला वेक्टर मेरा ये है, और पॉइंट लीनियर, पहला वेक्टर मेरा ये है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ 12, और इधर मुझे चाहिए 5, 5, और सेकंड डायरेक्शन, सेकंड डायरेक्शन ये, यहाँ पे चाहिए मुझे 4, और इसे कम कर देता हूँ मैं, और एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं, मेरा प्रीव्यू तो ये काफ़ी हद तक ठीक आ रहा है, बस यहाँ पे मैं इसे करता हूँ 19 की जगह 22, और कर देते हैं इसे ओके। तो इस तरफ से ये आ जाएगा पाने के लिए, इसी को ही इस तरफ हम पूरा मिरर कर सकते हैं, तो इसे क्लिक किया और इसे भी क्लिक करता हूँ, और करते हैं यहाँ से मिरर, आप अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर मैं अभी इसे मिरर से ही कट कर लेता हूँ। ये आ गया है, और इसमें मैंने टेपर नहीं दिया है, हल्का सा टेपर देना चाहते हैं, तो जहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रूड किया था, फर्स्ट वाला मेरा एक्सट्रूड था, इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाके लेता हूँ फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट स्टार्ट, दोनों एक ही चीज़ है, और 1 का लेते हैं ठीक है, 1 का ये ठीक आ रहा है, और -1 लेते हैं, और ओके। ये दोनों तरफ अपडेट हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, और इसका कुछ कलर करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करते हैं, व्यू में जाते हैं, और यहाँ से जाके हम इसको डार्क वाइट ले लेते हैं, ये इस टाइप से ले सकते हैं, और ट्रू शेडिंग, और मटेरियल में। सो फ्रेंड्स, आपको ये ट्यूटोरियल मेरा प्रॉपर्ली समझ में आएगा, आपको इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करिएगा, और कैसा लगा अपनी एडवाइस प्लीज़ ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको किस टाइप की वीडियोस लग रही हैं हम लोगों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।